भारतीय घरों में गोदरेज नाम उतना ही जाना पहचाना है जितना कि बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन, या फिर कहें कि क्रिकेट में कोहली या सचिन। बात तालों की हो या अलमारी की, सबसे पहले गोदरेज का नाम ही जुबां पर आता है, क्योंकि भारत में सिक्योरिटी के लिए जरूरी ताले और मजबूत अलमारी बनाने वाली पहली कंपनी कोई और नहीं बल्कि गोदरेज थी। आज भी ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के लिए भारत में जितनी पसंद की जाती है उतनी इस गोदरेज को बनाने की कहानी है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि किसने इस कंपनी को खड़ा किया, कहां से इसकी शुरुआत हुई, कितना लंबा इसका सफर रहा और आज ये कंपनी कहां है। इन सब सवालों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। कहानी शुरू होती है एक वकील से जिसके सिद्धांत मोहनदास करमचंद गांधी के सिद्धांतों से 100% मेल खाते थे। वकालत के पेशे में झूठ का ना इस्तेमाल करने का सिद्धांत। ईस्ट अफ्रीका में वकालत कर रहे इस वकील ने जल्दी वकालत से दूरी बना ली, क्योंकि ये समझ गए कि इनकी सच्चाई का सिद्धांत इस वकालत में काम नहीं आने वाला। इनका नाम था आर्दशिर गोदरेज। ये पारसी लड़का जल्द ही वकालत को अलविदा कहकर भारत लौट आया। 1894 में बंबई से एक नए जीवन की शुरुआत की। पारसी लोगों की तरह इसे भी बिजनेस में हाथ आजमाना था, लेकिन फिलहाल आजीविका के लिए इन्होंने एक फार्मा कंपनी में केमिस्ट के असिस्टेंट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। नौकरी में उनका मन नहीं लगा और उन्होंने मौका देखते ही जल्द ही सर्जरी के ब्लेड और कैंची बनाने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने पारसी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति मेरवानजी मुचेरजी कामा से 3000 रुपए उधार लिए। हालांकि उनका ये बिजनेस नहीं चल पाया। उनके बिजनेस के फेल होने के पीछे उनकी एक ऐसी जिद थी जिसके बारे में जानकर आपको गर्व होगा। दरअसल आर्दशिर को एक ब्रिटिश कंपनी के लिए सर्जरी के औजार बनाने थे। ये कंपनी इन औजारों को बेचने वाली थी। सब तय हो चुका था, लेकिन पेज फंस गया देश के नाम पर। आर्दशिर अपने प्रोडक्ट पर मेड इन इंडिया लिखना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश इसके लिए तैयार नहीं थे। उसका मानना था कि मेड इन इंडिया लिख देने से प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। यहीं से जो पेच फंसा, उसने आर्दशिर गोदरेज का पहला धंधा ही बंद करवा दिया। शायद नियति ने ही एक ऐसा फैसला लिया था, क्योंकि आर्दशिर को कुछ अलग जो करना था। यही वजह थी कि अपनी असफलता के बाद भी वो निराश नहीं हुए। आर्दशिर की किस्मत बदली अखबार में छपी एक खबर ने। इस खबर के मुताबिक बंबई में चोरी की घटनाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। इस संबंध में उस समय बंबई के पुलिस कमिश्नर ने लोगों से कहा कि सभी लोग अपने घर और दफ्तर की सुरक्षा और बेहतर करें। हालांकि एक सामान्य सी खबर थी, लेकिन आर्दशिर ने इसे बिजनेस के नजरिए से देखा और आपदा में अवसर खोजते हुए ताले बनाने का फैसला किया। बाजार में ताले पहले से मौजूद थे, लेकिन वो हाथ से बने होते थे जो ज्यादा सुरक्षित नहीं होते थे। ऐसे में आर्दशिर ने ऐसे ताले बनाने का फैसला किया जो सुरक्षित हों। हालांकि इसके लिए उन्हें फिर से फंड की जरूरत थी, और एक बार फिर वो अपना आइडिया लेकर मेरवान जी के पास पहुंचे। आर्दशिर की हिम्मत ही थी जो बिना पिछला कर्ज चुकाए वो फिर से कर्ज मांगने के लिए मेरवान जी कामा के पास पहुंच गए थे। लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और कामा उनके आइडिया से प्रभावित हुए। आर्दशिर को मेरवान जी से कर्ज मिल गया और बॉम्बे गैस वर्क्स के बगल में 215 वर्ग फुट के गोदाम लेकर वहां ताले बनाने का काम शुरू कर दिया। इसके साथ ही जन्म हुआ गोदरेज कंपनी का। हालांकि उस दौर में तालों के सुरक्षित होने की कोई गारंटी नहीं देता था, लेकिन गोदरेज ने रिस्क लिया और इस करार के साथ ताले बेचना शुरू कर दिया कि हर ताले और चाबी का सेट अनूठा है, कोई दूसरी चाबी यह ताला नहीं खोल सकती। कमाल की बात यह थी कि लोगों ने गोदरेज पर भरोसा किया और देखते ही देखते गोदरेज के ताले भरोसे की नई मिसाल बन गए। तालों का कारोबार जब चल पड़ा तो आर्दशिर ने अन्य व्यापार में भी कदम रखना शुरू किया। आर्दशिर और गोदरेज के अगले बिजनेस की नींव भी लोगों की आर्थिक सुरक्षा की समस्या पर ही रखी गई। अमीरों के शहर बंबई में लोगों के पास तब बैंक लॉकर जैसी सहूलियतें नहीं थी। उन्हें नकदी और जेवरात घर में ही रखने पड़ते थे। ऐसे में आर्दशिर को ऐसी अलमारी बनाने का प्लान आया जिसमें लोगों का धन सुरक्षित रह सके और चोर आसानी से उसे ना तोड़ सके। इंजीनियर और अपने कारीगरों के साथ महीनों तक मंथन करने के बाद आर्दशिर ने तय किया कि वो एक ऐसी अलमारी बनाएंगे जो लोहे की चादर को बिना काटे बने। 1902 में गोदरेज की अलमारी बाजार में आई। आर्दशिर की मेहनत एक बार फिर रंग लाई। देखते देखते इस अलमारी ने लोगों का भरोसा जीत लिया और एक बार फिर से लोगों का गोदरेज पर विश्वास बढ़ गया, क्योंकि कहा जाता है कि स्टील शीट को
16 बार बैंड करके यानी मोड़कर अलमारी बनाई गई थी और दरवाजे डबल प्लेटेड किए गए थे, जिस कारण अलमारी का वजन था 2.25 टन। और अपने इस मॉडल का गोदरेज ने 3 पेटेंट करवाया था। ताले और अलमारी के बाद तो गोदरेज ने कितने तरह के ब्रांड में कदम रखा और कामयाबी हुई, इसकी गिनती भी करना बहुत मुश्किल है। आर्दर शेरफ देश के लोगों के साथ सीधे जुड़ना चाह रहे थे, इसके लिए उन्हें साबुन से बेहतर कोई प्रोडक्ट नहीं मिला। भारत में उन दिनों जितने भी नहाने के साबुन थे उनमें जानवरों की चर्बी इस्तेमाल की जाती थी, इससे हिंदू आहत होते थे। आर्दर शेर ने इस कारोबार में मौका देखा। आर्दर शेर अब एक ऐसा साबुन बनाने में जुट गए जिसमें जानवरों की चर्बी ना मिली हो। रिसर्च के बाद तय हुआ कि चर्बी की जगह वनस्पति तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक आखिर गोदरेज ने साल 1918 में बिना चर्बी वाला साबुन लॉन्च कर दिया, नाम दिया छवि। साल भर बाद कंपनी ने गोदरेज नंबर 2 साबुन पेश किया। नंबर 2 नाम देने के पीछे आदर्शित का तर्क ये था कि जब लोग नंबर 2 को अच्छा पाएंगे तो नंबर 1 को उससे भी बेहतर मानेंगे। नंबर 1 साबुन 1922 में बाजार में आया। आर्दर शेर की सोच एकदम सटीक थी। नंबर 1 साबुन इतना सफल हुआ कि आज भी बाजार में आ रहा है। गोदरेज का साबुन का कारोबार बेहद तेजी से फैला, इतनी तेजी से कि आर्दर शेर ने ताले और अलमारी का बिजनेस भाई फिरोज शाह को सौंप दिया और पूरी तरह से साबुन के कारोबार में रम गए। आर्दर शेर की सोच थी कि उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को गोदरेज साबुन का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। 1923 में अलमारी के साथ फर्नीचर बिजनेस, 1951 में पहले लोकसभा चुनाव के लिए 17 लाख बैलेट बॉक्स, 1952 में स्वतंत्रता दिवस पर सिंथॉल साबुन का लॉन्च, 1958 में रेफ्रिजरेटर बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी, 1974 लिक्विड हेयर कलर प्रोडक्ट्स लाए, 1990 में रियल एस्टेट बिजनेस में कदम रखा, 1991 में खेती के कारोबार में कदम रखा, 1994 में गुड नाइट ब्रांड बनाने वाली कंपनी ट्रांसलेक्टा खरीदी और फिर 2008 में चंद्रयान 1 के लिए लॉन्च व्हीकल और ल्यूनर ऑर्बिट बनाए। कभी एक सर्जरी ब्लेड बनाने के बिजनेस में फेल होने वाले आर्दर शेर ने गोदरेज को खड़ा किया। गोदरेज समूह आज करीब 20 तरह के कारोबार कर रहा है। गोदरेज के प्रोडक्ट्स दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों में बिक रहे हैं। इनका साझा मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए का है। गोदरेज समूह आज करीब 20 तरह के कारोबार कर रहा है। समूह हेयर डाई, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, साबुन, फर्नीचर और ताले तक बनाता है। गोदरेज समूह चंद्रयान 1 के लिए लॉन्च व्हीकल भी बन चुका है। गोदरेज के प्रोडक्ट दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में बिक रहे हैं। ग्रुप की 5 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। इनमें गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज और एस्टेट लाइफ साइंसेस शामिल हैं। इनका साझा मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए का है। तो दोस्तों, ये थी गोदरेज के बनने से लेकर आज तक की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।